सबसे पहले यहाँ पे लाइव प्रूफ के साथ देख सकते हैं हमारा जो लोन अप्रूवल किया गया है 6500 का लोन अप्रूवल किया गया है। इस लोन को मैं अपने अकाउंट में क्रेडिट करके दिखाने वाले लाइव प्रूफ के साथ ट्रांसफ़र करके दिखाऊंगा, ताकि आप लोग को भी ट्रस्ट हो जाएगा कि सही में इस एप्लीकेशन में लोन दिया जाता है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि आप लोग YouTube के अंदर में बहुत सारे एप्लीकेशन से रिलेटेड वीडियो देखे हैं कि इस एप्लीकेशन से आप लोग को इतना लोन दिया जाता है, इस एप्लीकेशन से आप लोग को इतना लोन दिया जाता है, बट आपको लोन नहीं मिलता है। दोस्तों बहुत सारे फेक भी एप्लीकेशन लॉन्च मिलेगा, बहुत सारे फेक एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर मिलेगा, उसमें भी आप लोग लोन अप्लाई करके थक चुके हैं बट आपको लोन नहीं मिला है, और कहीं से भी आपको लोन नहीं मिला है, कहीं से भी आप परेशान बन चुके हैं और आप यहाँ पे पैसे की ज़रूरत है और आप लोन लेना चाहते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से देखना, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बिल्कुल ही लाइव प्रूफ के साथ एक न्यू लोन एप्लीकेशन के अंदर में यहाँ पे लोन अप्लाई करके सिखाने वाले हैं, ताकि आप लोग इस तरीका से जैसे मेरा जो लोन अप्रूवल किया गया है उस तरीका से आप लोग भी इस एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करके ले सकते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे आप नए आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए, मुझे जो ये लोन अप्रूवल किया गया था 6500 का जो लोन अप्रूवल किया गया था, ये जो एप्लीकेशन में मुझे यहाँ पे 6500 फर्स्ट टाइम में दिया है। जब ये मैं 6500 को मैं अच्छी तरीका से यूज करूँगा तो फिर मेरा जो है लोन इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा और कल होके मुझे 50,000 तक का भी इस एप्लीकेशन में लोन मिल सकता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं 6500 का जो लोन अप्रूवल हुआ है, जिसमें प्रोसेसिंग फी 325 रुपया लग रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं हेल्थ फी जो है 399 रुपया लग रहा है और वन टाइम एक्टिवेशन फी 520 रुपया लग रहा है और GST जो है आपको 200 ये देख सकते 23 रुपया मुझे यहाँ पे लग रहा है। टोटल अमाउंट यहाँ देख सकते हैं मेरे अकाउंट में जो डाला गया है, यहाँ देख सकते हैं 5,032 रुपये अकाउंट में दिया गया है। जहाँ मुझे 6500 का लोन अप्रूवल हुआ है वहाँ मेरे अकाउंट में 5,032 यहाँ पे दिया गया है। चलिए दोस्तों ये एप्लीकेशन आपको कहाँ मिलेगा, सिंपली आपको प्ले स्टोर के अंदर में आना है। प्ले स्टोर के अंदर में आने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे सर्च करना है किस्ट, KISST किस्ट आपको लिखकर सर्च करना है। ये एप्लीकेशन है आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपको प्ले स्टोर के अंदर में मिल जाएगा। प्ले स्टोर के अंदर में आना है और प्ले स्टोर के अंदर में आने के बाद सिंपली इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं इंस्टॉल में लगा दिया हूँ, इस तरीका से आपको भी इंस्टॉल कर लेना है। ये एप्लीकेशन का जो रेटिंग है यहाँ देख सकते हैं 4.0 का रेटिंग है गाइस, यहाँ देख सकते हैं ये काफ़ी ज़बरदस्त रेटिंग है और इसके अंदर में देख सकते हैं 10 मिलियन प्लस आदमी इसके अंदर में डाउनलोड करके ले चुका है, आप भी इसी तरीका से डाउनलोड करके ले सकते हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले इस एप्लीकेशन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि इस एप्लीकेशन के अंदर में कितना से कितना लोन दिया जाता है, क्या सिविल लगेगा और क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, उसके बाद मैं आप लोग को लोन प्रोसेस करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं इस एप्लीकेशन के अंदर में आप लोग को 2,00,000 तक का लोन दिया जाता है, बिल्कुल ही यहाँ पे 2,00,000 तक का लोन दिया जाता है। और ये जो एप्लीकेशन है RBI और NBFC दोनों से रजिस्टर्ड है, जो अपने कस्टमर को इंस्टेंट आपके अकाउंट में प्रोवाइड किया जाता है और यही दोनों मिलकर आप लोग को लोन अप्रूवल करता है और यही दोनों मिलकर आप लोग को फाइनेंस भी करता है, यही दोनों एप्लीकेशन की मदद से आपको यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जाता है। चलिए दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करता हूँ इस एप्लीकेशन में। इस एप्लीकेशन में आप लोग को 18% से लेके और 36% आपको इंटरेस्ट लगता है और यहाँ देख सकते हैं सिंपली 24 महीना लग के आपके समय दिया जाता है, 24 महीना में आप यहाँ पे लोन को रीपेमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की, इस एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगता है, क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबल है, ताकि आप लोग आसान तरीका से ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं भी कुछ दिन पहले इस एप्लीकेशन में जब लोन अप्लाई किया था तो यहाँ पे क्या हुआ था, मेरा सिविल स्कोर जो है ना बिल्कुल ही लो था, इस कारण से मेरा लोन अप्रूवल नहीं किया गया था। अगर किसी भी नया एप्लीकेशन में आप लोन अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको सिविल स्कोर खोजेगा ही, अगर आपका सिविल स्कोर बढ़िया है तो भाई आप किसी भी एप्लीकेशन के अंदर में लोन अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका सिविल स्कोर बढ़िया नहीं है तो आप किसी भी एप्लीकेशन में आप लोन नहीं ले सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पे लोन लेने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सिविल स्कोर, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पे अब बात कर लेता हूँ इस एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट के बारे में। तो इस एप्लीकेशन के अंदर में डॉक्यूमेंट जो लगता है ये आपको एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड होनी चाहिए,
एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड होनी चाहिए इस एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करने के लिए। और जो आपका जो एज है कम से कम 18 प्लस होनी चाहिए, आपका जो एज है कम से कम 18 प्लस होनी चाहिए। बस इस एप्लीकेशन में लोन लेने के लिए सिर्फ आपको इतना ही चाहिए और सिंपली आपको प्ले स्टोर के अंदर में आना है। और प्ले स्टोर के अंदर में आने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली ओपन करना है। आइए दोस्तों, यह मैं फाइनली ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, उस पर एक OTP आएगा, OTP को यहाँ पे फिलअप करके फाइनली लॉगिन करना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं फाइनली लॉगिन कर लेता हूँ। पे देख सकते हैं लॉगिन कर लिया हूँ। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले अपना फर्स्ट नाम डालना है, उसके बाद अपना लास्ट नाम डालना है, उसके बाद यहाँ पे अपना एक ईमेल आई डालना है, उसके बाद सिंपली गाइस यहाँ देख सकते हैं सबमिट कर लेना है। दोस्तों लॉगिन करने के बाद अब आएगा आपको यहाँ देख सकते हैं, जैसे आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है, जैसे कि आपका एक नाम डालना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को फिलअप कर लेना है, उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे जेंडर को सेलेक्ट कर लेना है गाइस, उसके बाद आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, कितने पढ़े हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डालना है। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद सिंपली आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद जितना आपका सिविल स्कोर रहेगा उस हिसाब से यहाँ पे आपको लोन दिया जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट से KYC कर लेना है, जैसे कि गाइस आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होनी चाहिए। आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा तब आप इसके अंदर में लोन अप्लाई करके ले सकते हैं। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं रहेगा तो फिर आप इस एप्लीकेशन में लोन नहीं ले सकते हैं। उसके बाद आपको जिस अकाउंट में आपको लोन अप्लाई करना है उस अकाउंट को यहाँ पे फिलअप करना है, उसके बाद आपको फाइनल सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका जो जैसे लोन अप्रूवल किया जाता है उसी टाइम आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो अगर आपको पैसे की ज़रूरत है और आप चाहते हैं लोन लेना, बहुत सारे एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करके थक चुके हैं और आपको लोन नहीं दिया गया है, तो आइए दोस्तों आपको ये किस्त इंस्टेंट लोन एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में मिलेगा, वहाँ से इंस्टॉल कीजिए। और आप लोग आसान तरीका से जो मैं प्रोसेस बताया हूँ इस प्रोसेस से आप लोग आसान तरीका से लोन अप्लाई करके ले सकते हैं। और दोस्तों मैं बहुत सारे यूट्यूब पे सर्च किया हूँ, फेक एप्लीकेशन आपको मिलेगा, प्ले स्टोर पर भी मिलेगा, गूगल पर भी मिलेगा और यूट्यूब के अंदर में ढेर सारे यहाँ पर लोन से रिलेटेड वीडियो भी मिलेगा, बट उसमें आपको सच्चाई कोई नहीं बताएगा। तो अगर आप इस चीज़ के चक्कर में हो कि एप्लीकेशन में बिना सिविल में लोन दिया जाता है, उस एप्लीकेशन में बिना सिविल में लोन दिया जाता है, तो इस चक्कर में आप न पड़े, उसी एप्लीकेशन में आप लोग लोन अप्लाई करें जो आपको RBI और NBFC से रजिस्टर्ड है, जो आप लोग को फास्ट अप्रूवल करता है। जैसे ये एप्लीकेशन है किस्त लोन, जिसका नाम है किस्त, एक एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पर मिलेगा, वहाँ पर जाइए डाउनलोड कीजिए, जो मैं प्रोसेस बताया हूँ वो प्रोसेस को कंप्लीट करके ले सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछना, मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों आप लोग अगर परेशान है पैसे के लिए, अगर परेशान है लोन के लिए, तो आप लोग आसान तरीका से मैं आप लोग का फुली सपोर्ट और फुली आपको यहां पे ट्रस्ट दूंगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे आप नए आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आने वाले RBI NBFC से रजिस्टर्ड कोई भी फास्ट अप्रूवल वाले लोन सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं।